हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ग्राउंड वाटर का हमारे फाउंडेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी इफेक्ट्स ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल ऑन अवर फाउंडेशन। हमारा जो बेयरिंग कैपेसिटी है, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, वो टेरज़ागी इक्वेशन के द्वारा दी जाती है, जो कि इस प्रकार से क्यू यू जो है वो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है, दैट इज सी एन सी। यहाँ पर सी है आपका कोहेजन और एन सी जो है वो टेरज़ागी का कॉन्स्टेंट है। फिर ये गामा डी एफ, यहाँ पर गामा का है आपका सॉइल का डेंसिटी और डी एफ ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, जो कि ग्राउंड से लेकर फाउंडेशन की डेप्थ आएगी, राइट। तो इसको अपन बोलेंगे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, राइट। नाउ एन क्यू, ये भी आपका टेरज़ागी कांस्टेंट है। आर डब्ल्यू वन, ये हमारा कांस्टेंट है, बट इट इज नॉट अ कांस्टेंट, इट इज अ वेरिएबल, ये फैक्टर है, ग्राउंड वाटर फैक्टर। और फिर इक्वेशन आगे बढ़ता है 0.5 बी, बी जो है आपका विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, राइट। देन गामा, अगेन सॉइल की डेंसिटी एन गामा, ये भी टेरज़ागी का एक अपना कांस्टेंट है। तो एन सी, एन क्यू, एन गामा, ये टेरज़ागी के कांस्टेंट्स है। और आर डब्ल्यू टू, ये एक और फैक्टर है आपका, जो कि ग्राउंड वाटर फैक्टर्स को बोलते हैं टू। पहला ये ग्राउंड वाटर फैक्टर वन और ग्राउंड वाटर फैक्टर टू, इनकी वैल्यू रहती है, ग्राउंड वाटर फैक्टर वन टू की रहती है 0.5 प्लस 0.5 बी अपॉन बी, और RW1 की रहती है 0.5 A upon DF। तो ये A और B जो है, ये ग्राउंड वाटर टेबल की गहराई है हमारी फाउंडेशन से, कि ये फाउंडेशन से अगर नीचे है तो कितना गहरा है, और फाउंडेशन से ऊपर है तो फाउंडेशन से कितना ऊपर है। तो ये A और B, यहाँ पर स्मॉल A और स्मॉल B का डेफिनेशन ये आ गया। अभी काम कैसे करता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ पर, इस पोजीशन पर ग्राउंड वाटर टेबल है, यानी जितना विड्थ है हमारा फाउंडेशन का कैपिटल बी, उतना ही ग्राउंड वाटर टेबल का डेप्थ है कैपिटल बी। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो हमारा जो आर डब्ल्यू टू है, ये क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया, 0.5 प्लस 0.5 कैपिटल बी अपॉन कैपिटल बी, बिकॉज बी इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू बी पुट किया तो ये हो गया 1, तो ये हो गया 0.5 प्लस 0.5 दैट इज इक्वल टू 1, राइट। इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे ये सिद्ध हुआ कि अगर फुटिंग की विड्थ से ग्राउंड वाटर है या उससे नीचे है, तो उसका हमारे बेयरिंग कैपेसिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। ये बात अपन समझ गए, तो इसका कोई फैक्टर नहीं आएगा। अब मान लीजिए कि आपका ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर है, ये बी पे नहीं है, इस पोजीशन पे आ गया, सच दैट कि बी इज इक्वल टू जीरो, ये बी इज इक्वल टू जीरो, ये बी इज इक्वल टू जीरो। अब आप लगाइए आर डब्ल्यू टू को, तो आर डब्ल्यू टू क्या आ जाएगा आपका, 0.5 प्लस 0.5 जीरो अपॉन, तो ये हो गया आपका 0.5, ये जीरो हो जाएगा आपका। तो यहां पर आपका ये वाला जो फैक्टर है 0.5, ये वाला आधा हो जाएगा, तो बेयरिंग कैपेसिटी हमारी कम हो जाएगी। तो ये आपका 1 से लेकर 0.5 तक मतलब आधी हो गई, ये वाला फैक्टर है आधा हो गया आपका, जो 0.5 से करेंगे, तो इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक इसका वेरिएशन आएगा 0 to 0.5, मतलब बेयरिंग कैपेसिटी पे यहाँ पर कोई फर्क नहीं आएगा, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपकी बेयरिंग कैपेसिटी का ये वाला पोर्शन जो है वो आधा हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से ये आपको असर दिख रहा है। अब आते हैं हम दूसरी बात पर, RW1 पे, RW1 फैक्टर देखते हैं, क्योंकि ये तो 0.5 हो गया, हमको पता पड़ गया ना। RW1 के वैल्यू है हमारा 0.5 A/DF, राइट। अब अगर फैक्टर आता है जो ए है और डी एफ के बराबर, यानी ग्राउंड वाटर टेबल जो है जस्ट फाउंडेशन के बॉटम को टच करता है, राइट। तो आर डब्ल्यू वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इफ ए इज इक्वल टू डी एफ, या अपन ऐसा करें कि इफ पहले अपन ये वाला देख रहे कि इफ ए इज इक्वल टू जीरो, राइट।
एक ही वैल्यू जो है वो जीरो है, वो बिल्कुल बॉटम पर, तो यहाँ पर वो नहीं। तो इसको अगर अपन पकड़े तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 0.5 जीरो अपॉन डीएफ, तो ये फैक्टर आपका जीरो हो जाएगा पूरा, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो इस पोजीशन पे RWN कोई असर नहीं करेगा और आपका बेयरिंग कैपेसिटी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। RW2 का तो असर पड़ेगा बट RW1 का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आपका A राइज होता जाएगा यहां तक पहुंच गया आपका, सच दैट कि A इज इक्वल टू DF आ गया, इन दैट केस RW1 क्या हो जाएगा आपका, RW1 इज इक्वल टू 0.5 DF अपॉन DF, राइट, दैट इज इक्वल टू 0.5। तो ये भी आपका 0.5 हो जाएगा, ये भी 0.5 हो जाएगा, ये तो 0.5 पहले से ही हो गया था, राइट। तो यहां पर आपका ये वाला फैक्टर भी हाफ हो जाएगा। तो दोनों ही सूरतों में देखेंगे, मतलब जैसे जैसे आपका ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ता जाएगा तो यहां से लेकर यहां तक सिर्फ RW2 असर करेगा, इसके बाद RW1 भी एक्शन में आ जाएगा। तो इसको हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे ग्राउंड वाटर टेबल हमारे फाउंडेशन के जितना नीचे रहे उतना अच्छा, क्योंकि जितना जितना वो फाउंडेशन के नजदीक पहुंचता जाएगा उतना उतना बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल हमारी फर्क पड़ेगी, हमारी फाउंडेशन को पोटेंशियल डैमेज होगा, और अगर हमारी फाउंडेशन को पोटेंशियल डैमेज होगा अल्टीमेटली हमारे स्ट्रक्चर्स को पोटेंशियल डैमेज होगा। तो स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राउंड वाटर टेबल की हमारे फाउंडेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंस है। तो अपनी डिजाइन में आप हमेशा ये ध्यान रखिए, ग्राउंड वाटर टेबल को हमेशा उसका फैक्टर लेके चलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।